दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन में रैम को इंक्रीज कर सकते हो। सिर्फ बताऊंगा ही नहीं दोस्तों, आपको अपने फोन में 4GB रैम इंक्रीज करके भी दिखाऊंगा। मेरे फोन में फिलहाल दोस्तों 8GB रैम दिया है एंड उसे मैं टोटल 12GB रैम करके दिखाने वाला हूँ। यानी कि गाइस यहाँ पे मैं 4GB रैम इंक्रीज करूंगा अपने स्मार्टफोन में लाइव आपके सामने। आपको बता दूं दोस्तों ये सभी स्मार्टफोन में काम नहीं करेगा, तो उसके लिए दोस्तों आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा किस किस स्मार्टफोन में हम रैम को इंक्रीज कर पाएंगे, उस सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो उसके लिए दोस्तों आपको इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना है। ऐसा नहीं है गाइस कि सभी स्मार्टफोन में हम रैम को इंक्रीज कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। किस-किस डिवाइस में इंक्रीज होगा वो सब डिटेल गाइस इस वीडियो में आपको पता चल जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक करना, अगर आप भी अपने फोन में रैम इंक्रीज करना चाहते हो तो लाइक जरूर करना। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आखिर हम रैम कैसे इंक्रीज करेंगे। दोस्तों फ़ोन में रैम इंक्रीज करने के लिए आपके फ़ोन में वर्चुअल रैम फीचर होना ज़रूरी है। वर्चुअल रैम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। वर्चुअल रैम होता है दोस्तों, हम अपने फ़ोन का जो स्टोरेज होता है उसे एज अ रैम यूज़ कर सकते हैं। ये फीचर बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी ही उस स्मार्टफोन में देती है, इसे हम कहीं अलग से एप्लीकेशन या फिर किसी सेटिंग द्वारा नहीं ला सकते। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर आपके फोन में वर्चुअल रैम का फीचर है तो आप अपने फोन का रैम इंक्रीज कर पाओगे, नहीं तो दोस्तों आप नहीं कर सकोगे। तो जिन लोगों के फोन में है वो बड़े आसानी से अपने फोन का रैम इंक्रीज कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए गाइस क्या करना पड़ेगा, आपको अपने फोन के सेटिंग में जाना पड़ेगा। ठीक है, सेटिंग में जब आप जाओगे तो यहां पे आपको नीचे आना पड़ेगा। नीचे दोस्तों आपको रैम एंड स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाता है, ये सभी स्मार्टफोन में होता है। ठीक है, तो आप बड़े आसानी से आप यहां पे आ सकते हो। यहां पे आने के बाद दोस्तों आपको ऊपर रैम का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली आप रैम के ऊपर क्लिक करो एंड यहां पे आ जाओ। यहां पे फिलहाल गाइस अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो 8GB रैम मेरे स्मार्टफोन में दिया हुआ है, लेकिन मुझे 4GB रैम और इंक्रीज करना है। तो नीचे एक्सटेंडेड रैम का फीचर हमें देखने को मिल जाता है, जिसे वर्चुअल रैम कहा जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों मैं 4GB रैम इंक्रीज कर सकता हूँ। जैसे इसे मैं ऑन करूंगा मेरे फोन में दोस्तों 4GB रैम इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं देर नहीं करता हूँ, फटाक से मैं इसे ऑन करता हूँ। इसे ऑन करने के लिए दोस्तों यहाँ पे एक मतलब कि नोटिफिकेशन आता है, देख सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ सेकेंड वेट करना है एंड रीस्टार्ट नाउ के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये आपका जो डिवाइस है ये रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा इंतजार कर लेना है। सो गाइस फाइनली हमारा डिवाइस रीस्टार्ट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे फोन का रैम इंक्रीज हुआ है या फिर नहीं। डायरेक्ट मैं सेटिंग में जाता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद हम सेम लोकेशन पे आ जाते हैं, मतलब कि रैम एंड स्टोरेज वाले फीचर में, एंड यहाँ पे रैम के ऊपर क्लिक करते हैं। ओके, सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे फ़ोन का जो रैम होता है वो इंक्रीज हो चुका है। 8GB पहले का था एंड 4GB इंक्रीज हो चुका है एंड टोटल हमारे फ़ोन में 12GB रैम हो चुका है। आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, मतलब कि हमने अपने फ़ोन का 4GB रैम इंक्रीज कर लिया है। तो ऐसे ही दोस्तों अगर आपके फ़ोन में एक्सटेंडेड रैम का फीचर दिया है तो बड़े आसानी से आप अपने फ़ोन में 4GB 3GB किसी किसी फ़ोन में दोस्तों 7GB 8GB 9GB का एक्सटेंडेड रैम वाला फीचर आता है, तो बड़े आसानी से अपने फोन का रैम इंक्रीज कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों, किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन द्वारा अपने फोन का रैम इंक्रीज करने की कोशिश मत करना, नहीं तो दोस्तों आपका फोन क्रैश हो सकता है एंड खराब भी हो जाएगा। सो आपको आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।